ट्रैवल सूत्रा सुमन्स डे और आज ट्रैवल सूत्रा है कन्नौट प्लेस में। आप लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि सीपी में बेस्ट बार एंड लाउंज कौन से हैं, हम उसकी एक लिस्ट बनाए। तो वेल, आज हम आपको लेकर आए हैं सीपी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बार एंड लाउंज, लॉर्ड्स ऑफ द ड्रिंक। अब ये कैसा है वो तो पता चलेगा अंदर जाके ही, तो चले फिर अंदर। लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स कन्नौट प्लेस में है, जी ब्लॉक में। This place is quite spacious and known for its great ambience. हम जब यहाँ पहुँचे तो band already start हो चुका था and it was nice. ये है Lord of the Drinks का menu. For starters, we ordered smoky chicken. We enjoyed this smoky chicken with some drinks. और सामने चल रहा था IPL का final match. कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद वी वेंट टू आवर सेकंड डेस्टिनेशन। हम जा रहे हैं माई बार हेडक्वार्टर। इन दोनों बार एंड लाउंज के जो रिव्यूज़ हैं वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगी। वैसे ये जो वीडियो है ये बार हॉपिंग नहीं होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको रिव्यू दूंगी। तो अभी चलते हैं माई बार हेडक्वार्टर। माई बार हेडक्वार्टर है कन्नौट प्लेस के एन ब्लॉक में। वाइब हियर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। तो हमने अपनी सीट ले ली है, हमने सीट ऐसी जगह पे ली है जहां से हम IPL का फाइनल मैच भी एंजॉय कर सके और साथ ही ये बैंड भी। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया क्रिस्पी चना चाट, देन दिस कुरकुरे चिकन अलॉन्ग विद सम ड्रिंक्स। डिटेल रिव्यू हम आपको देंगे आगे इस वीडियो में विद कंपैरिजन। तो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स और माई बार हेडक्वार्टर दोनों को हमने कवर कर लिया है। अब बारी है दोनों ही जगह को रिव्यू करने की, कंपेयर करने की और बताने की दोनों में से बेहतर हमें क्या लगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक की। वहाँ की एम्बियंस की बात करें तो एम्बियंस वहाँ का अच्छा है, डिसेंट सा है, एवरेज एम्बियंस है, अच्छा एम्बियंस वहाँ का। लाइव म्यूजिक भी था। हाँ, लाइव म्यूजिक अच्छा था। जो भी बैंड वहाँ पर आया था बहुत सही वो गाने गा रहे थे। खाने की अगर हम बात करें तो हमने जो ऑर्डर किया था स्मोकी चिकन, टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा हमने ज़्यादा कुछ प्रॉम्प्ट ट्राई नहीं किया। और अगर बात करें सर्विस की तो सर्विस बहुत बेकार, आई वुड से पैथेटिक सर्विस। हमने एक ऑर्डर किया, उस ऑर्डर का हमें वेट करने में आधा घंटा लगा, उसका ऑर्डर आने में कई बार हमें पूछना पड़ा कि कब आ रहा है कब आ रहा है कब आ रहा है, बट बहुत देर बाद आया। उसके बाद ये जो स्मोकी चिकन हमने मंगाया उसके साथ हमने बोला ग्रीन चटनी ला कर दे, वो ग्रीन चटनी आई ही नहीं। तीन बारी हमने पूछा, हर बार ये बोला आ रही है आ रही है आ रही है, वो नहीं आई। उसके बाद जब हमने बोला, बिकॉज हम एक दो टेबल या दो चेयर वाले टेबल पर बैठे हुए थे सो दैट हम मैच देख सकें सामने से IPL फाइनल, और हमारे सामने बार काउंटर भी था जिसकी टेबल जिसकी चेयर थोड़ी ऊँची होती है, तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे जिसकी वजह से हमें क्लियरली दिख नहीं रहा था। और इसलिए हमने बोला था, हमने रिक्वेस्ट की थी वहाँ पर स्टाफ से कि हमें किसी दूसरे टेबल पर शिफ्ट कर दें जहाँ से व्यू हमें क्लियरली मिले, बट वो तीन पर्सन का टेबल था एंड दे आस्क्ड अस कि आप कितने लोग हैं। वी सेड वी आर टू। दे सेड ओके, हम चेक करते हैं। और वो चेक करने में उन्होंने अगले 15-20 मिनट लगा दिए, और उसके बाद हमने देखा देयर वर टू लेडीज़ हु केम इन आफ्टर अस, और उनको उन्होंने वो टेबल दे दिया, लेकिन हमें जो पहले से वहाँ बैठे हुए थे हमें उन्होंने वो टेबल नहीं दिया। तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी उनकी सर्विस बहुत बेकार लगी। तो कुल मिला के जो उनकी सर्विस थी वो एक मेन कारण था कि हम वहाँ पर ज़्यादा देर पे हम बैठे नहीं, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आया। सर्विस अगर बेकार हो तो आप उस जगह बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, चाहे फिर वहाँ का खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो बस इससे हम वहाँ से उठ गए, अब बाहर निकले थे। आज IPL का फाइनल भी था, जब तक ये वीडियो आएगी तब तक IPL का फाइनल हो जाएगा, विनर जो का IPL का वो सामने आ चुका होगा, लेकिन आज हमारे लिए IPL का फाइनल था और हमें IPL मैच देखना था। तो अब सपोर्ट करना था, अब बाहर निकले थे तो ऐसे तो वापस आएंगे नहीं, इसलिए हमने की आज फिर बार हॉपिंग, और वहाँ से हम लोग गए माई बार हेडक्वार्टर, क्योंकि इसके बारे में भी हमने काफ़ी ज़्यादा सुना था। वैसे लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में अगर हम बात करें
इसके हम और भी ब्रांचेस में गए हैं, राजौरी में हम गए हैं, वहाँ पर सर्विस बुरी नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकती, हो सकता है हमारा ही दिन आज का ख़राब है कि हमें सर्विस अच्छी नहीं मिली, बट राजौरी में लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स की सर्विस अच्छी है, बट राजौरी में ठीक है, बट सीपी में, जबकि आज मंडे है, क्राउड थोड़ा सा मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, वेटर्स खाली घूम रहे थे, मतलब देवर टॉकिंग टू ईच अदर, मैच देख रहे हैं लेकिन सर्विस नहीं कर रहे, तो वो एक और रीज़न था जो उसके बिल्कुल मूड ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से वी वेंट आउटसाइड, वी लुक फॉर अनदर बार एंड कैफ़े और लाउंज, और ऐसे में जब आप सीपी में होते हो और आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, तब सबसे पहले आपके माइंड में आता है माय बार हेडक्वार्टर। जितनी बारी भी मैं वहाँ गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस हर बार का बहुत अच्छा रहा है, और इसीलिए बिकॉज आई वॉन्टेड टू सपोर्ट धोनी, आई वॉन्टेड टू सपोर्ट CSK, तो मैंने बोला अब चलते हैं माय बार हेडक्वार्टर्स। वहाँ हम पहुँचे, हमें टेबल मिला, एंड यू वॉन्ट बिलीव, हमारे को टेबल पे सर्व करने के लिए या हमारे को एंटरटेन करने के लिए वहाँ पे बैक टू बैक तीन लोग आ गए, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आई रिमेंबर द नेम ऑफ टू पीपल, वन वॉज नितेश, सेकेंड वन वॉज गौरव। हमने एक ऑर्डर किया, जब तक हमारा पहला ऑर्डर आया हमने सोचा कि जब तक ऑर्डर आएगा हम दूसरा ऑर्डर सोचेंगे, उससे पहले हमारा ऑर्डर हमारे को डिलीवर भी हो, दैट वॉज द क्वालिटी ऑफ माई बार, जबकि वो खचाखच भरा हुआ था, जगह नहीं थी वहाँ पर, और वहाँ का म्यूजिक दैट वॉज अमेजिंग, आपने अभी तक वीडियो में देख लिया होगा जो अभी तक उनके शॉर्ट्स चले हैं। और जो वहाँ का क्राउड था बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएटिव था उस सिंगर को लेकर, जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एंड खाना भी बहुत अच्छा था, एंड प्राइस, तो प्राइस में जो माय बार हेडक्वार्टर है वो ज़्यादा रीजनेबल है। जो हमने ऑर्डर किया था माय बार हेडक्वार्टर्स में और जो हमने ऑर्डर किया था लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में, तो उसमें ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस था। दोनों को कंपेयर करें, बात करें सबसे पहले एम्बियंस की, तो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स का जो एम्बियंस है डिसेंट एम्बियंस है, बुरा नहीं है, डिसेंट है, लेकिन जो हैपनिंग है वो माय बार हेडक्वार्टर का है, तो हमारे लिए थम्स अप माय बार हेडक्वार्टर को है। बात करें खाने की, तो खाना दोनों जगह का ही खाने टेस्टी है, हमने जो ऑर्डर किया हमें सब अच्छा मिला, तो खाने में दोनों इक्वल है। उसके बाद बात करते हैं सर्विस की, तो नो डाउट माय बार हेडक्वार्टर की सर्विस ज़्यादा अच्छी है, तो हमारा थम्स अप उसी को है। और उसके बाद अगर प्राइस की बात करें, तो माय बार हेडक्वार्टर जो है वो ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, तो कुल मिला के हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से माय बार हेडक्वार्टर ज़्यादा बेस्ट है इन कंपैरिजन टू लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। तो अगर आप जाए तो माय बार हेडक्वार्टर ज़रूर जाए, और मेरे हिसाब से तो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स कभी ना जाए, पैथेटिक सर्विस, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो आपको सर्विस अच्छी मिले, मम्मी माय बार हेडक्वार्टर इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस देन लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहे, नेक्स्ट टाइम आप जब ऐसा कुछ सीबी में प्लान करें, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी मदद करेगी डिसाइड करने में आपको कहाँ जाना है, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स या माय बार हेडक्वार्टर। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों में से किसी भी जगह को चेकआउट करते हैं, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। बाकी अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमंस वे पर नए हैं, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर सीबी में ऐसे ही किसी हैपनिंग जगह के बारे में आप जानते हैं, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, नेक्स्ट टाइम हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।